उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है, लिहाजा अब अलग अलग जगहों पे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिलने लगी है। अमेठी की राजनीति अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, ऐसे में स्मृति ईरानी का आज नामांकन होना है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमेठी में, नामांकन से पहले उनके घर पर पूजा पाठ की तमाम चीज़ें चल रही हैं। अमेठी के कार्यालय पर हम लोग मौजूद हैं, आप बाहर देख सकते हैं कि एक रथ तैयार किया गया है जिस पर चढ़कर यहाँ से जो नामांकन स्थल थे वहाँ तक ये रोड शो होगा और इस रोड शो में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी पर आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे में अभी तक चूँकि आप देख जानते ही हैं कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, लिहाजा अपने आप में ये सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो रोड शो और उसके बाद नामांकन होना है इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा कार्यक्रम है, करीब 12 बजे के आसपास से नामांकन होना है, लिहाजा उसके पहले तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है, लिहाजा अब अलग अलग जगहों पे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिलने लगी है। अमेठी की राजनीति अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, ऐसे में स्मृति ईरानी का आज नामांकन होना है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमेठी में, नामांकन से पहले उनके घर पर पूजा पाठ की तमाम चीज़ें चल रही हैं। अमेठी के कार्यालय पर हम लोग मौजूद हैं, आप बाहर देख सकते हैं कि एक रथ तैयार किया गया है जिस पर चढ़कर यहाँ से जो नामांकन स्थल थे वहाँ तक ये रोड शो होगा और इस रोड शो में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी पर आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे में अभी तक चूँकि आप देख जानते ही हैं कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, लिहाजा अपने आप में ये सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो रोड शो और उसके बाद नामांकन होना है इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा कार्यक्रम है, करीब 12 बजे के आसपास से नामांकन होना है, लिहाजा उसके पहले तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, अमेठी।